किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसीज ये डिटरमाइन करती हैं कि उसके दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशंस होंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व दो अपोजिंग साइड्स में बट गया, एक साइड सोवियत यूनियन की और दूसरी साइड यूएसए की थी, लेकिन इंडिया ने किसी साइड को चूज ना करने का डिसीजन लिया। भारत की यह नीति गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई। भारत की इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का सीधा मतलब यह था कि इंडिया इंटरनेशनल इश्यूज पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करेगा। ये चीज किसी देश की डेमोक्रेसी को एक्सप्रेस करती है कि वह किसी के दबाव में न आकर खुद के डिसीजंस पर स्टैंड करता है। हालांकि आजादी के बाद भी इंडिया ने कई सारे डार्क फेजेस को फेस किया है, लेकिन फिर भी उस टाइम पर हमारी पॉलिसीज अच्छी थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो पूरा विश्व इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ करता है और इसका क्रेडिट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को जाता है। भले ही वह बहुत कम और सॉफ्टली बोलते हैं, लेकिन उनके एक्शंस उतने ही एक्सप्लोसिव होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी पसंद किया जाता है। You know, I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs. कुछ लोगों का मानना है कि वो इंडिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स में से एक हैं। लेकिन क्या ये सच है और जयशंकर की वजह से इंडियन फॉरेन पॉलिसीज कितनी स्ट्रांग हुई हैं और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, ये आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक करार दे दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूरी दुनिया में छा गए हैं। And please notice, I said China, C-H-I-N-A. Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. सुब्रमण्यम जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। उनके परिवार में वो अकेले ही नहीं हैं जो देश सेवा कर रहे हैं। उनके पिता कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम ने भी प्रोमिनेंट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और इंडियन सिविल सर्वेंट के तौर पर काम किया था। मतलब जयशंकर अपनी फैमिली लेगेसी को बखूबी निभा रहे हैं। सेंट स्टीफंस कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की और इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल और पीएचडी की, जहां पर वो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में स्पेशलाइज्ड हुए। इसके बाद 1977 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की और 1979 से 1981 के बीच मॉस्को में सेकंड और थर्ड सेक्रेटरी के रूप में काम किया। वह उस टीम का हिस्सा भी थे जिन्होंने अमेरिका और इंडिया के बीच में हुए तारापुर पावर स्टेशन के न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई के इश्यू को रिसोल्व किया था, जिसके बाद अमेरिका भारत के लिए न्यूक्लियर फ्यूल देने के लिए राजी हो गया था। वैसे तो उन्होंने कई कंट्रीज में इंपॉर्टेंट पोस्ट पर काम किया, जैसे 1985 से लेकर 88 के बीच में वॉशिंगटन डीसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में, 1988 से 1990 तक श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के फर्स्ट सेक्रेटरी और एडवाइजर के रूप में, 2007 से 2009 के बीच में सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंट में मदद की, जिसकी वजह से सिंगापुर में इंडियन बिजनेस को एक्सटेंड करने में हेल्प हुई। लेकिन उनकी पोस्टिंग्स में से दो देशों में हुई उनकी पोस्टिंग को उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। एक है चाइना और दूसरा है अमेरिका। इन देशों में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने कई सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया। जयशंकर ने 2009 से 2013 के बीच में लगभग 4.5 साल तक चाइना में इंडियन एम्बेसडर की पोस्ट पर काम किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जहां उन्होंने इंडिया और चाइना के बीच इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस को इम्प्रूव किया। उन्होंने 2010 और 2012 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के लोगों को स्टेपल्ड वीजा देने की पॉलिसी को खत्म करने के लिए नेगोशिएट भी किया। दोस्तों, स्टेपल्ड वीजा का मतलब होता है अगर कोई देश अपने देश से अलग किसी जगह को अपना मानता है तो वह वहाँ के लोगों को स्टेपल्ड वीजा प्रोवाइड करता है। जैसे नॉर्मली अगर आप कहीं फॉरेन जाते हैं तो आपके पासपोर्ट चेकिंग के टाइम पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट पर मोहर लगाता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर अक्साई चीन के लोग चाइना जाएंगे तो चीन उनके पासपोर्ट पर अलग से एक कागज का टुकड़ा लगाता है जिस पर सारी डिटेल्स लगी होती है। चाइना में मेनली जयशंकर ने दो इश्यूज को सॉल्व किया। जब 2013 में चाइनीज ट्रूप्स लद्दाख में टेंट्स लगाने लग गए थे, जिसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच में काफी टेंशन बढ़ गई थी और दोनों देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गया था, पर नेगोशिएशन के बाद चाइनीज आर्मी अपनी पोजीशंस को विड्रॉ करने के लिए एग्री हो गई थी और इस नेगोशिएशन में एस जयशंकर का बहुत बड़ा हाथ था। इनफैक्ट चाइना के आर्मी जनरल ने इस बात को कहा कि जयशंकर एक डिप्लोमेट से ज्यादा एक सोल्जर की तरह बात कर रहे थे। इसी बीच 2011 में चाइना के कस्टम्स ऑफिशियल्स ने ऑलमोस्ट 22 डायमंड ट्रेडर्स को अरेस्ट किया, जो लगभग सभी गुजराती थे। एस जयशंकर ने उनके चार्जेस को कम करने के लिए चाइनीज ऑफिशियल्स को कन्विंस किया था।
था। इसी तरह का इम्पैक्ट उनका अमेरिका में रहा था। 2004 से 2007 के बीच जयशंकर इंडिया और यूएस के रिलेशंस को हैंडल कर रहे थे और इस टाइम पर इंडिया और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर डील की बात चल रही थी, लेकिन बराक ओबामा इस डील के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो किसी इंडियन ऑफिशियल से बात भी नहीं करना चाहते थे। इंडिया के लिए ये डील इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये डील होने के बाद ही इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए दूसरे देशों से यूरेनियम इम्पोर्ट कर सकता था, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। ओबामा ने कहा कि ये डील तभी साइन होगी जब इंडिया फिसल मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिसल मटेरियल किसी भी न्यूक्लियर वेपन के लिए एक इम्पोर्टेंट भाग होता है, लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान और चाइना दोनों ही फिसल मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए इंडिया इस कंडीशन के बिल्कुल खिलाफ था। इन सभी इश्यूज के बाद भी एस जयशंकर और भारत के दूसरे डिप्लोमेट्स इस डील को अप्रूव कर पाए थे। इन सभी चीजों के कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे काफी इंप्रेस हुए थे। एस जयशंकर और पीएम मोदी की पुरानी पहचान बताई जाती है। तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब 2012 में नरेंद्र मोदी चाइना गए थे तो वहां जयशंकर ने चाइना के बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिशियंस से उनकी मीटिंग फिक्स कराई थी। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 2-3 महीने बाद ही जयशंकर ने यूएस में एक हाई प्रोफाइल ट्रिप सेट की थी। इसे पीएम बहुत इंप्रेस हुए क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट थे। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें 2015 में फॉरेन सेक्रेटरी बनाया, वो भी उनके रिटायरमेंट से लगभग 2 दिन पहले। अगर एक रिपोर्ट की माने तो ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एस जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से सुजाता सिंह को अपॉइंट कर लिया गया। एस जयशंकर को क्राइसिस मैनेजर भी कहा जाता है क्योंकि वो कई चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी फेस कर चुके हैं। जब 2017 में डोकलाम में इंडिया और चाइना के बीच में मुठभेड़ हुई थी और जयशंकर ने डायरेक्ट चाइनीज ऑफिशियल से बात करके नेगोशिएशन किया, जैसे चाइना डोकलाम में रोड ना बनाने के लिए एग्री हो गया था। इसके बाद 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार आई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया और एस जयशंकर को भारत के 30वें फॉरेन मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया, और ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। हालांकि जयशंकर एक पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। ये बात जयशंकर पर प्रधानमंत्री के भरोसे को व्यक्त करती है। इतने एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर होने का ये फायदा है कि इतने क्राइसिस के टाइम पर भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रही है। जयशंकर अपने स्टेटमेंट्स को लेकर ज्यादातर लाइमलाइट में छाए रहते हैं। अमेरिका में उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स की काफी चर्चा हो रही है, चाहे वह मानवाधिकार हनन का आरोप हो या फिर रूस से तेल और गैस की खरीद की बात हो। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस को लेकर एस जयशंकर ने अमेरिका को यह रिप्लाई किया कि इंडिया भी अमेरिका में भारतीयों के मानवाधिकारों पर नजर बनाए हुए है। 2022 में रशिया और यूक्रेन के वॉर में इंडिया पर दबाव डाला जा रहा था क्योंकि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टेंस लिया था इस वॉर के ऊपर, और ये भी कहा जा रहा था कि वॉर के बाद इंडिया और भी ज्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से और उसी पैसे को रशिया यूक्रेन के खिलाफ यूज कर रहा है। अब यहाँ पर जयशंकर से पूछा गया कि अगर इंडिया यूक्रेन की हेल्प नहीं करेगा तो अगर फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच में कोई वार होता है तो क्या कोई देश इंडिया की हेल्प करेगा? तो इस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। यू नो समवेयर यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। उनके इसी तरह के स्टेटमेंट्स पर पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान ने भी भारत की तारीफ की। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले। अपने स्ट्रॉन्ग और राइट डिसीजंस की वजह से ही आज वो दुनिया में इतने फेमस हैं। हालांकि एस जयशंकर की वजह से भारत की फॉरेन पॉलिसीज में काफी सुधार आया है और वो स्ट्रॉन्ग भी हुई हैं, लेकिन ये कहना शायद सही नहीं होगा कि पहली बार इंडियन फॉरेन पॉलिसीज इतनी स्ट्रॉन्ग हुई हैं। इससे पहले 1998 में बहुत ज्यादा फॉरेन क्रिटिसिज्म के बाद भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था, और 2005 में यूएस न्यूक्लियर डील के लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को भी दाव पर लगा दिया था। ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि पहले भी भारत की पॉलिसीज अच्छी थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एस जयशंकर की वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज में एक ह्यूज इम्पैक्ट आया है और काफी हद तक उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज रूल बुक को चेंज भी कर दिया है। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, इन वीडियोस को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, इसलिए आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।